अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, दुआएं हैं आपकी जी। तो आज बहुत ही बड़ा और मुबारक दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको बड़ा रब्बिल नूर की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आज के दिन सबकी बीमारियां परेशानियां दूर करे और जल्द से जल्द हमें प्यारा काबा मीठा मदीना दिखाए, आमीन। तो जी, तो न्याज दिलानी है आज की। तो हम बना रहे हैं सूजी का हलवा और ये देख रहे हैं माशाल्लाह से। तो बनाना कि क्या क्या इसमें शामिल होगा वो हम आपको, मैं सारी तरकीब अज्जा आपको बताती हूँ। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अल्लाह के करम से ठीक होंगे जी। तो आज 12 रबी अव्वल है, बहुत मुबारक दिन है। आप सबको भी मुबारक हो ईद उल मिलाद, और हमको भी बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको नसीब करे ये। और आज न्याज दिलानी है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या जाएगा जी। तो ये मैंने लिया है आधा किलो सूजी हमारे पास, और आधा किलो ही हमने चीनी ली है। आप चाहें तो अगर मीठा कम खाना खाएं तो आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं, और अगर जिसको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी कर सकता है। और ये मैंने हसबे ज़रूरत तेल लिया है, और छोटी इलायची है हमारे पास, 10 से 12 छोटी इलायची हमारे पास। और ये मैंने सारा कुछ सारा ड्राई फ्रूट मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें किशमिश है, बादाम है, और ये हमारे पास नारियल है। और ये पानी भी हसबे ज़रूरत, जितना आपको अच्छा लगे पानी आप उतना डालिएगा। आए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल डालेंगे। आप लोग चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, घी में भी बहुत मज़े का बनता है। जी तो छोटी इलायची डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इन्हें अच्छी तरह कड़कड़ा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अच्छी तरह इनका खुशबू आ जाए, फिर हम इनमें सूजी डालेंगे। ये 10 से 12 मैंने इलायचियां डाली हैं। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूजी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूजी डालेंगे। अच्छी तरह हम इसे ब्राउन कर लेंगे। जी तो देखिए, इस अच्छी तरह हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जितना आपको अच्छा लगता हो कलर आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। मुझे हल्का हल्का ब्राउन अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह हल्का हल्का ब्राउन रखूंगी। जी तो इसमें हम पानी डाल देंगे, इनको भिगो के रख देंगे थोड़ी देर। अल्हम्दुलिल्लाह, देखे माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और बिल्कुल इसको मीडियम आंच पे आप लोगों ने ब्राउन करना है, मीडियम आंच पे, ज़्यादा फुल आंच नहीं रखनी इसके नीचे। और अभी मैं आप लोगों को और इसकी टिप दूंगी इंशाल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखें। और मैंने अभी इसका चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा मैंने इसलिए बंद किया है, अभी आप इसमें पानी डालेंगे तो ये जो सारा इसका घी है ये सारा उड़ जाएगा भाप बन के। तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, अब इसको आस्ता आस्ता मैं ठंडा करूँगी। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, देखें इसका कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो गया। देखें कलर भी चेंज हो गया है, और मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है जी। बिस्मिल्लाह पानी डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी डालेंगे। देखें अभी इतना गर्म नहीं है, देखें अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये इतना गर्म नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चीनी डालेंगे, और अब मैं इसका चूल्हा जलाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर गरम गरम में हम पानी डालें और वो पानी और घी बिल्कुल ऊपर भाप बन के घी सारा उड़ जाता है। ये एक मेन टिप थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सूजी को ब्राउन करें और उसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें। जी तो ये मैंने बादाम ये सब कुछ धो के रख लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी सब डाल देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अब थोड़ा एहतियात करेंगे कि क्यों, देखिए माशाल्लाह से ये उड़ बहुत रहा है और आपके हाथ जलने का डर होता है, आप इसको थोड़ा एहतियात से वापस से करना है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसे ही तो इसको थोड़ा सा और भून लेंगे, बिल्कुल घी निकल आएगा, इसको ऊपर आ जाएगा, ऑयल ये छोड़ देगा हलवा, फिर बस हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। जिस मेरे बहन भाई ने खाना है आ जाए, माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब ने आज नियाज में क्या क्या बनाया कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें, सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करें शेयर करें। और हाँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने थोड़ी सी चीनी बचा ली थी, कि मुझे थोड़ी ज़्यादा मीठा लग रहा था तो मैंने थोड़ी सी चीनी बचा ली थी। आप लोगों को जैसे मीठा अच्छा लगे आप लोग वैसे ही डालिएगा, ज़्यादा कम वो लोग आप लोग कर सकते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए आप देखिए चमचे से भी देखिए देखिए छोड़ दिया, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक सब की नियाज कबूल करे और हमारी भी अल्लाह पाक नियाज कबूल करे। अल्लाह पाक आज के दिन के सदके में सबके घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल करे, आमीन आमीन। जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा तैयार हो गया, बस अभी मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, अब इसको डिश आउट करते हैं, सब भेजते हैं। जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी इसका चूल्हा बंद कर दिया है, मैं भी सबके घरों में प्यालियों में डाल के सबके घर भिजवाती हूँ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा बन के माशाल्लाह तैयार हो गया है, अभी हम सबके घरों में बांट देंगे। आप सबको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। आप लोग सब अपने घरों में खुश रहें आबाद रहें, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको रिज़्क़ के हलाल कमाने और खाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं, आप सबको मेरी तरफ से जश्न मिलादुन्नबी बहुत मुबारक हो। जी तो ये दुआ बीबू जा रही हैं बांटने, तो चलें चलें चले जाएं बांटें में। जी तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और मज़ेदार हलवा तैयार हो गया है। जी तो और दुआ बीबू चली गई हैं बांटने, और ये हमारे घर के लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम सब की नियाज को कबूल मंजूर फरमाए। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें शेयर करें ज़रूर, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा हम सबको। इजाज़त चाहती हूँ आप सबके बहुत सारे प्यार के साथ, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले, मेरी आवाज़ पहुंची वहां सबा से पहले, हक से करती हूं दुआ पढ़कर मोहम्मद पे दुरूद, ये वसीला भी ज़रूरी है दुआ से पहले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह इस बड़े दिन के सदके
हमें और आप सबको मीठा मीठा मदीना और प्यारा प्यारा काबा दिखाए। अल्लाहु आमीन, अल्लाहु आमीन। अल्लाह आपकी और आपके घर वालों की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला मेरे और आप सबके वालदैन को सेहत वाली लंबी उम्र दिखाए और मदीने ले जाए। अल्लाहु आमीन। आप सबको हमारी तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत मुबारक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान।